हाउ आर यू? वी आर फाइन सर। देखिए आज शनिवार है ना, और शनिवार के दिन हम बिना बस्ते के स्कूल आते हैं। तो बिना बस्ता के स्कूल आते हैं, कुछ सीखने के लिए आते हैं ना उस दिन। आज जो है हम लोग सीखेंगे शीतलहर से बचाव के संबंध में, है ना भाई। देखो अभी ठंडी का दिन चल रहा है, ठंडी का मौसम है ना, और ठंडी के मौसम क्या होता है, तापमान में कमी आ जाती है। किसमें कमी आ जाती है? तापमान, टेम्परेचर में, और इसलिए हमको ठंड लगती है। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक है सुरक्षित शनिवार में, वह है शीतलहर के खतरे एवं बचाव के उपाय, ठीक है ना। शीतलहर से क्या क्या खतरा हो सकता है, और किसी को शीतलहर या किसी को ठंडी लग गई है उसके क्या लक्षण होते हैं, और हम ठंड से शीतलहर से कैसे बचें, इसके संबंध में जानेंगे। जैसे गर्मी के दिन में देखना, अधिक गर्मी में क्या होता है, लू लग जाता है लोगों को, है ना भाई, लू लग जाता है। वैसे ही ठंड से भी हमको कुछ शारीरिक समस्याएं पैदा होती हैं। तो क्या कौन सी समस्या पैदा होती है उसको जानेंगे, और हम उस समस्या से बचे कैसे इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग शीतलहर, जो ठंड लग जाती है उससे लक्षण क्या होता है। शीतलहर के कारण जो ठंड लगती है उसके लक्षण क्या होता है, हमारा शरीर ठंडा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? है ना भाई, किसी को शीतलहर लग गया मान लो, तो क्या होता है उससे, उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है, और उसके शरीर में बहुत अधिक ठिठुरन होती है। क्या होती है? एकदम कंपने लगता है, कपकपी आ जाती है, बहुत अधिक कपकपी आती है। जैसे एक साधारण हम ठंड के दिनों, ठंड तो लगती है लेकिन किसी को ज्यादा ठंड लगने लगा, एकदम कांपने लगा, समझ जाओ उसको शीतलहर का प्रकोप हो गया, है ना। वैसे ही उसका जी मिचलाएगा, बार बार उल्टी लगेगी। जैसे कल या परसों कोई बच्चा करता ना, बोल रहा था बहुत मतली आ रही है, ये डेविड बोल रहा था, है ना, तो जी मिचलाता है उसमें बहुत। और क्या होता है, हमारा अंग सुन पड़ जाता है उसमें। शीतलहर से क्या होता है, अंग सुन पड़ जाना माने, जैसे आपके शरीर में कभी झुंझुनी भरा है, झुंझुनी क्या होता है, क्या होता है झुंझुनी में, क्या होता है बताओ? हाँ, वो अंग में हमको कील बिछुआ दे पता नहीं चलता, है ना, एकदम सुन पड़ जाता है। तो ऐसे ही ठंड जब लगती है बहुत, हमारा अंग सुन पड़ सकता है, और एक और उसमें लक्षण हो सकते हैं, व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है अचानक शीतलहर के प्रकोप के कारण, वो व्यक्ति बेहोश हो सकता है या अर्ध बेहोशी की स्थिति में पहुंच जाता है ना भाई। तो ये सारे लक्षण किसके हैं, ठंड लगने के लक्षण है, ठीक। कब होता है, जब तापमान बहुत अधिक, वातावरण का तापमान कम हो जाता है ठंड के दिनों में, तो हमें शारीरिक समस्याएं इस तरह से आ सकती हैं। तो हम क्या करें उसके लिए, मान लो समस्या आती है तो उसका कुछ निदान भी रहता है, उपाय रहता है ना भाई, निदान बचने का उपाय। तो देखिए हमको उससे बचने के लिए क्या क्या उपाय है, शीतलहर से बचाव के कुछ उपाय भी हैं। क्या है, अब क्या उपाय है, देखिए सबसे पहले जैसे देखिए आज ही का वातावरण देखिए कैसा है, ज्यादा ठंडी है ना आज, सूर्य भी नहीं निकला है, और तापमान में बहुत अधिक गिरावट है। तो हम क्या करें ऐसी स्थिति में, अनावश्यक यानी आवश्यक ना हो तो हम अपने घर से बाहर ना जाएं, ठीक है। अनावश्यक माने आवश्यक कार्य के लिए तो सबको जाना ही पड़ता है, लेकिन अनावश्यक हमको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और क्या करें हम, मान लीजिए हमको घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ रही है, है ना भाई, घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ रही है, तो क्या करें हम, गर्म कपड़े पहने। गर्म कपड़े में क्या पहने, स्वेटर, गले में, सिर में तो है ना भाई, मफलर, हाथों में दस्ताने, पैरों में मोजे, ठीक है। और जिसके पास स्वेटर है, जैकेट है, कोट है, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आवश्यक रूप से जब हमको बाहर जाना ही पड़े शीतलहर के दौरान, तब हम क्या करें, गर्म कपड़े का उपयोग करें, ठीक है बच्चों। और क्या बात करें, देखिए और क्या है, बाहर निकलते समय क्या करें हम, गर्म कपड़े रखने बस नहीं है, अपने सिर को, अपने चेहरे को, अपने हाथ पैर को क्या करें हम, ढक लें। इससे क्या होगा, ठंड लगने से हम लोग ठंडी से बच जाएंगे, है ना भाई। और कोई बात नहीं, चलिए। तो देखिए और एक खास बात, हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग, किसी को हो सकता है ब्लड प्रेशर माने उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है,
और किसी को क्या हो सकता है, शुगर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी होती है। इस तरह की जो बीमारी वाले व्यक्ति होते हैं उनको हम घर से बाहर न निकलने दें। और क्या करें, उनको निकलना ही हो तो जब भूख निकल जाए तब घर से बाहर निकले, ठीक है ना। तो ये उसके शीतलहर से बचाव के उपाय हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग और क्या करते हैं, अपने गांव में ठंड के दिनों में आग जला करके आग तापते हैं। तापते हैं ना भाई, आप सब लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने आंगन में, बाड़ी में। तो जब हम आग जलाएं ठंड से बचने के लिए तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले हम बंद कमरे में कभी भी आग ना जलाएं, ठीक है। बंद कमरे में आग जलाने से क्या होगा, जो उसका जहरीला धुआं रहता है कभी कभी क्या होता है, वो घर में भर जाता है और उस जहरीले धुएं के कारण हम लोग बेहोश हो सकते हैं और कभी कभी लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए कभी भी एकदम बंद कमरे में, जहाँ बिल्कुल रोशनदान ना हो, खिड़की ना हो, दरवाजे बहुत सारे ना हो, वैसे जगह में हमको आग भी नहीं जलाना चाहिए। और खास करके जब आप सब बच्चे अकेले हो घर में तो आग जलाने का प्रयास ना करें, ठीक है। अच्छा, आपको आग तापना ही है तो खुले मैदान में जला लीजिए और वहाँ आग सेक लीजिए। लेकिन उसमें भी हमें सावधानी रखनी है, अपने शरीर को, अपने कपड़े को आग से हमको बचा करके रखना है भाई, है ना। और नहीं तो क्या होगा, हाँ जल जाएंगे भाई, है ना। हाथ जल सकता है, पैर जल सकता है। अच्छा, घर में मान लो हम जगह जगह आग जलाएंगे तो क्या होगा, हो सकता है घर में आग लग जाए, ठीक है। अच्छा, और एक बात ध्यान रखना, क्या चीज का, गांव में सभी यहाँ पे क्या हुआ है, धान भी, धान की निजाई हुई है ना भाई, तो उसमें क्या करते हैं, हमारे यहाँ पैरा निकलता है, भूसा निकलता है, तो हम क्या करते हैं, पैरा को पैरे की ढेरी लगा देते हैं। और मान लीजिए हम आग ताप रहे हैं और आपका चिंगारी जो है कहीं पैरावट में लग गया तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, जल जलने की संभावना है भाई, है ना भाई, पूरा पैरावट में आग लग सकता है। तो हम क्या करें, आग ऐसी जगह में जलाएं, उमेश ध्यान दो इधर, आग ऐसी जगह में जलाएं जहां भूसा या पैरा इत्यादि ना रखा हो, ठीक है। अश्विनी, क्या ना रखा हो, भूसा पैरा ना रखा हो, ऐसी जगह में आग जलाएं और आग सेकें। और सबसे खास बात ध्यान देना सब लोग, सबसे खास बात है हम अधिक से अधिक धूप का सेवन करें। क्या चीज का सेवन करें, धूप का सेवन करें। इससे क्या होगा, हमारा शरीर गर्म रहेगा और हम शीतलहर या ठंड लगने से बच जाएंगे भाई, ठीक है बच्चों। तो आज का हमारा विषय था शीतलहर के खतरे एवं बचाव के उपाय, ठंड लगने के लक्षण क्या हो सकते हैं और हम शीतलहर से कैसे बचे। इस तरह से आज हमारे सुरक्षित शनिवार का मुख्य विषय था शीतलहर के खतरे एवं बचाव के उपाय। थैंक यू वेरी मच।